सहकारी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुधवार को राज्यव्यापी आह्वान के तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक यूनियन के बैनर तले कोऑपरेटिव बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सहकारी बैंक कर्मचारियों ने वेतन भत्ताओं एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी व सुधार के लिए 15वां वेतन समझौता लागू करने की मांग की। सहकारी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुधवार को राज्यव्यापी आह्वान के तहत यूनाइटेड फोरम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक यूनियन के बैनर तले कोऑपरेटिव बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सहकारी बैंक कर्मचारियों ने वेतन भत्तों एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी व सुधार के लिए 15वां वेतन समझौता लागू करने की मांग की। धरने पर बैठे कार्मिकों ने बताया कि सहकारी बैंक कार्मिकों के लिए 15वां वेतन समझौता दिए जाने के लिए प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की अध्यक्षता में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, प्रबंध निदेशक शीर्ष बैंक व राज्य भूमि विकास बैंक, मुख्य लेखा अधिकारी एवं अंकेशन सहकारी विभाग की सदस्यता में बनी द्विपक्षीय कमेटी ने संगठनों के साथ कई दौर की वार्ता की। इसके बाद सहमति से लिखित एवं हस्ताक्षरित अभिशंसा रिपोर्ट वित्त विभाग को अक्टूबर 2018 में ही भिजवा दी गई, लेकिन अब तक 15वां वेतन समझौता अब तक लागू नहीं किया गया है। जो कर्मचारियों का वेतन समझौता है वो पिछले 5 साल से लंबित है। 15 वेतन समझौता की ड्यू डेट भी निकल गई, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की। और 16 वेतन समझौता भी वापस शुरू हो गया है, तो कई बार ज्ञापन और उनको धरने वगैरह हमने पहले भी किए थे और उसके बाद में भी वेतन समझौता लागू नहीं किया। इसलिए कर्मचारियों अधिकारियों में बहुत भारी रोष है और आज ये ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है जो यूनाइटेड फोरम है उसके यूनिट के बैनर तले यहाँ पर ये हमने धरना दिया है। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो 8 तारीख को जयपुर में महापड़ाव है और 11 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल है। उसके उपरांत भी अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम 25 और 26 तारीख को 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। और अभी जो ये ऋण माफ़ी की नवीन योजना आई उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं और अभी ये एक चेतावनी के रूप में धरना है और आगे भी अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल इसके अंजाम जितने भी होंगे हम कर्मचारी अपनी कर्मठ एकता के साथ में इसका सरकार सामने विरोध दर्ज करा। धरने पर बैठे कार्मिकों ने अपने हितों की रक्षा को लेकर लोकसभा चुनावों की आचार संहिता से पहले 15वां वेतन समझौता लागू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समझौता लागू नहीं किया जाता है तो 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय हड़ताल करने के साथ ही 25 व 26 फरवरी को सभी सहकारी बैंकों में 2 दिवसीय हड़ताल की जाएगी।